पुराने विवाद के चलते मधुशाला वाइन शॉप में एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी किए जाने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इस संदर्भ में पुलिस उपनिरीक्षक राजकुमार त्रिपाठी ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी शेख अयास शेख इस्माइल ही अपने मित्र के साथ फुटाला गया था। इस दरमियान वह उसके अन्य चार और मित्र आए, उनसे 5-10 मिनट बातचीत हुई, जिसके बाद फिरियादी के साथ जो मित्र आया था वो फिरियादी की गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इसके थोड़ी देर बाद फिरियादी अपने मित्र सलमान की गाड़ी लेकर वहां से निकला। वो कड़वी चौक के पास से गुजर ही रहा था कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और वो अपनी गाड़ी को धक्का लगाते हुए जाने लगा। इस दरमियान बुलेट पर सवार होकर दो युवक आए और फिरियादी से फुटाला जाने पर सवाल किया, तो उसके हाँ में जवाब दिए जाने पर अचानक दोनों युवकों ने फिरियादी पर हमला करना शुरू कर दिया। जब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए वो मधुशाला वाइन शॉप के पास गया तो दोनों युवकों ने उसका पीछा कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मैटर ऐसा है कि इसमें जो फिरियादी है मोहम्मद शेख अयाज नाम है उनका, वो फुटारा तालाब पे गए थे। उनके दोस्त का नाम है उनेश, उनके साथ में वो फुटारा तालाब पे गए थे। वहाँ पर स्प्लेंडर टू व्हीलर से गए थे वो, और कुछ देर बाद उनके दोस्त हैं, चार दोस्त, उसमें से एक दोस्त का नाम सलमान है, वो लोग वो चारों जन वहाँ पर आए और वहाँ पर बातचीत की उन्होंने 5-10 मिनट जो भी है, और उसके बाद में उनेश को उन्होंने फिरियादी ने अपनी गाड़ी दे दी और उनेश वहाँ से चले गए। उसके बाद सलमान की गाड़ी फिरियादी ने ली अयाज ने, और फिर सलमान उनके चारों दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गए। निकल जाने के बाद ऐसा हुआ कि फिरियादी जो है अयाज, वो उनकी जो सलमान की ली हुई जो स्कूटर गाड़ी थी वो लेकर के 10 नंबर पुलिया है जो वहाँ तक आए, वहाँ पर उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो गाड़ी उन्होंने पैदल पैदल लेकर के अपने कड़वी चौक तक आए। कड़वी चौक पर ऐसा हुआ कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल वहाँ पर 10 नंबर पुलिया पर ख़त्म होने की वजह से लेकर पैदल पैदल जब आए तो एक बुलेट वाला और उनके दो साथीदार वहाँ पर आए, और उन्होंने उनको पूछा कि तुम फुटाड़ा तालाब गए थे क्या, तो उन्होंने हाँ बोलने पर वो बिना कोई कारण बताए हुए उनको वहाँ मारपीट करने लगे। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो वहाँ पर एक बार है उसमें चले गए, वहाँ हाँ मधुशाला वाइन शॉप में वहाँ चले गए, तो उन्होंने उनको वहाँ पर घुसकर वहाँ से निकाल कर और फिर मारपीट की, और उसके बाद में वो इंजर्ड हो गए, दवाखाने ले गए, फिर गुनाह दाखिल किया गया। हाँ इनके ऊपर गुने हैं, इन्होंने इनके ऊपर बयानों और कुछ और प्रकार के और गुने हैं इनके ऊपर, आरोपियों के ऊपर, हाँ रिकॉर्ड पर के गुनेगार। अभी 307 का सेक्शन IPC उसमें गुनाह दाखिल किया गया है और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तपास चालू है। मेरा नाम शेख अयाज है, मैं फुटारा तालाब में गया था तो वहाँ पर मेरे साथीदार के साथ झगड़ा हो गया था दूसरों के साथ, तो दूसरों ने मेरे साथीदार भाग गए थे तो दूसरों ने मुझे मारे है कड़वी चौक पे वाइन शॉप। वो मेरे जो साथीदार थे उन लोग गाड़ी लहरा रहे थे और उन लोग भी गाड़ी लहरा रहे थे, तो इसकी वजह से उनका झगड़ा हो गया था। मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था 10 नंबर पुलिया पे, मैं गाड़ी पैदल पैदल कड़वी चौक लेके गया। कड़वी चौक लेके जाने के बाद उन लोग मेरा पीछा करने लगे और मुझे मारने लगे। मैं दौड़ा और डायरेक्ट वाइन शॉप में बियर बार में घुस गया, हाँ निकाल के और मारे, ये हाथ दोनों हाथों पे मारे और पीछे सर में मारे डंडे से और ईंट से, गाड़ी भी फोड़ी है, गाड़ी उधर वो खड़ी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शशांक सतीश साकरे और आरोपी सौरभ राजवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।